So good morning friends, welcome to PD classes. Today an important session for those who are preparing for computer teacher interview. And I hope हमारे कौशिक जी KVS के लिए जा रहे हैं, KVS computers. तो आज बहुत से KVS related में आपसे computer related questions put up करूँगा और मुझे cooperate करेंगे हमारे बिहार बॉय from बक्सर, okay? Mr. Vikas. तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि list और tuples में क्या difference होता है? List और tuples दोनों ही sequence data type है. दोनों का उपयोग डाटा को स्टोर करने में किया जाता है. ओके. लिस्ट म्यूटेबल होती है और ट्यूपल इम्यूटेबल होते हैं, जिसमें जिसको बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता. ओके. इनको डिनोट करने के लिए, लिस्ट को डिनोट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है और ट्यूपल को करने के लिए पैरेंथेसिस का उपयोग किया जाता है. पाइथन की एडवांटेज बताइए. पाइथन ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है. और सर दूसरा है कि ये डाटा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसलिए इसके डाटा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका कोड छोटा होता है. okay. और ये इस कारण ये लोगों को सीखने में आसानी होती है इसको. वेरी गुड. लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में अंतर बताइए. लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है और जब फंक्शन ख़त्म होता है तो ये भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है, और ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर ऊपर डिफाइन किया जाता है और पूरे प्रोग्राम में चलता रहता है. ओके. मिस्टर कौशिक, टेल द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर. DBMS में SQL लैंग्वेज में केयर और वेयर केयर करेक्टर को स्टोर करने के लिए डाटा टाइप होते हैं, जिसमें केयर के अंदर लिमिट फिक्स की जाती है और वेयर केयर में लिमिट फिक्स नहीं की जाती. केयर थोड़े से फास्ट होते हैं वेयर केयर से. ओके. और CSV फाइल, ये क्या होती है? CSV फाइल का तात्पर्य है कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है. okay. इसका उपयोग डाटा रिकॉर्ड करने में किया जाता है. इसके अंदर डाटा टेबुलर फॉर्म में होता है और जो भी डाटा होता है वो कॉमा द्वारा सेपरेट होता है. ओके. प्राइमरी की क्या होती है? DBMS में बनने वाली टेबलों का एक एट्रीब्यूट होती है जो कि पूरी टेबल को यूनिकली डिफाइन करती है. इसके अंदर हर एक डाटा यूनिक होता है, वो सेम नहीं हो सकता है. ओके. और नेटवर्क टोपोलॉजी, इसके बारे में समझाइए. कंप्यूटर नेटवर्क्स में कंप्यूटर का फिजिकल अरेंजमेंट होता है और जिसमें सभी कंप्यूटर एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम से जुड़े होते हैं. okay. इसके उदाहरण बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी है. okay. और IPR से आप क्या समझते हैं? IPR का तात्पर्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. जिस प्रकार हम किसी बाइक को ऑन करते हैं, उसी तरह कोई अपना आविष्कार या कोई क्रिएशन को का राइट को IPR कहते हैं, जिसको जिसकी सुरक्षा के लिए हमें सरकार द्वारा पेटेंट, ट्रेडमार्क और GI ग्लोबल जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है. ओके. साइबर क्राइम क्या है? डिजिटल वर्ल्ड में किए गए क्राइम को साइबर क्राइम कहते हैं. इसके अंदर कंप्यूटर की सहायता से या कंप्यूटर पर क्राइम किए जाते हैं. okay. इसके उदाहरणों में हैकिंग, रैंसमवेयर और फिशिंग टाइप से होते हैं. यस प्लीज मिस्टर मुकेश. आपने शहर के बारे में कुछ बताएं. मैं जैसलमेर शहर से हूँ, जिसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है. ये एक रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ शहर है और ये इसके यहाँ पर यहाँ का सोनार किला और यहाँ की पटवा की हवेली मशहूर है, और इसके अलावा इसका लोक कला और लोक संगीत बहुत दर्शनीय है. वहाँ की लिटरेसी रेट क्या है? वहाँ की लिटरेसी रेट 57% है. पांडास और नम्फी में डिफरेंस? पांडास और नम्फी दोनों पाइथन की एक वेल एस्टेब्लिश लाइब्रेरी है. okay. जहाँ नमपाई में वन डायमेंशनल होती है, वहीं पांडा टू डायमेंशनल होती है. नमपाई में सीरीज का उपयोग किया जाता है, वहीं नमपाई में डाटा फ्रेम का उपयोग किया जाता है. ओके. और बिग डेटा में 5V क्या है? बिग डेटा में 5V में वैल्यू, वेलोसिटी, वॉल्यूम, वेराइटी और वेरिसिटी. SQL से आप क्या समझते हैं? SQL डाटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जिसका उपयोग DBMS में डाटा रिट्रीवल और अपडेशन में काम लिया जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML? SQL में क्वेरीज को दो भागों में बांटा जाता है, DML और DDL. DDL का तात्पर्य है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML का है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का उपयोग
डाटाबेस की स्कीमा और उसके कॉन्स्टेंट को चेंज करने को डिसाइड करने में किया जाता है, वहीं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का उपयोग किसी टेबल के अंदर डाटा अपडेट और डिलीट करने में किया जाता है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पाइथन में मैटप्लॉटलिब एक वेल एस्टैब्लिश लाइब्रेरी है जिसका उपयोग डाटा विजुलाइजेशन में किया जाता है। इसके अंदर डाटा को ग्राफ और हिस्टाग्राम से प्रदर्शित करके आप देख सकते हैं। पाइथन में इस फंक्शन, इस अल्फा फंक्शन, इसके बारे में बताइए। ये एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है जो जो ये देखता है कि वो स्ट्रिंग में सभी करेक्टर अल्फाबेट है या नहीं है। अगर इसमें कोई अल्फाबेट नहीं आता है तो इसमें कोई अल्फाबेट के अलावा कोई आता है तो जीरो आता है, अगर सभी अल्फाबेट होते हैं तो एक रिटर्न करता है। ओके, केवीएस की स्थापना कब हुई थी? केवीएस की स्थापना 15 दिसंबर 1963 में हुई थी। एसक्यूएल में डिलीट और ड्रॉप में क्या अंतर है? एसक्यूएल में डिलीट और ड्रॉप दोनों क्वेरी होती है, जहां पर ड्रॉप एक डीडीएल लैंग्वेज है और डिलीट डीएमएल है। ड्रॉप पूरी डाटाबेस को डिलीट करने के लिए काम आता है, वहीं डिलीट कोई टेबल के अंदर डाटा को डिलीट करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग न्यू एज तकनीक है जिसमें इंटरनेट की सहायता से हम कंप्यूटर रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी एक ये खासियत होती है कि हम कहाँ पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। चैट जीपीटी के बारे में कुछ बताइए। चैट जीपीटी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये ओपन एआई द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसकी ये एक इंसानों की तरह जवाब देने की इसमें क्षमता होती है और इसकी संभावना को देखते हुए कहा जाता है कि ये गूगल का रिप्लेसमेंट होगा आने वाले समय में। वेरी गुड।